नीलूज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चोको चिप्स, जो कि बहुत ही आसानी से और मिनटों में बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, साइट में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अगले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। यहाँ पे हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट और व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट दोनों ली हुई है। इसे हमें डबल बॉयलर के मेथड से मेल्ट करना है। इसे आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन डबल बॉयलर से हमें चॉकलेट का जो जलने का जो चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं, और हमें टेम्परेचर और चॉकलेट कितनी मेल्ट हो रही है ये पता चल जाता है। तो देखिए, हमने नीचे एक गर्म पानी का बॉल रखा है, उसके ऊपर हम एक सिंपल बॉल रखकर उसके अंदर चॉकलेट डालेंगे, और देखिए धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। तभी हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब बटर डालेंगे, ताकि हमारी चॉकलेट जो है वो ज्यादा शाइनी और अच्छी दिखे। तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, और चॉकलेट में बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन आ चुकी है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसे एक पाइपिंग बैग में या फिर एक सिंपल प्लास्टिक बैग में इसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम अभी पाइपिंग बैग में ही इसे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, और ग्लास में हमें पाइपिंग बैग को इस तरीके से सेट करना है, ताकि हम चॉकलेट को आराम से इसके अंदर डाल सके। तो देखिए सारी जो चॉकलेट है हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। हमने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। अब हमें चोको चिप्स डालने के लिए बटर पेपर, बेकिंग पेपर या फिर सिंपल प्लास्टिक का कवर या प्लास्टिक का पेपर भी आप ले सकते हैं। उसे आपको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो देखिए हमने पाइपिंग बैग को कट कर लिया है। इसके अंदर हम धीरे धीरे प्रेस करते हुए देखिए चॉकलेट जो चोको चिप्स है उसे ड्रॉप कर रहे हैं। मीन्स हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट है उसे धीरे धीरे यूं प्रेस करते हुए ड्रॉप कर रहे हैं, और ऊपर की ओर खींचते हुए इसे हम निकाल रहे हैं, ताकि इसमें बिल्कुल इसी तरीके से नोक बननी चाहिए जैसे मार्केट की चॉकलेट चिप्स हमें मिलती है। तो बिल्कुल उसी शेप की हमारी चोको चिप्स रेडी हो रहे हैं। देखिए इसी तरीके से हमें सारे ड्रॉप्स रेडी कर लेने हैं। आपको जितने चोको चिप्स चाहिए आप उसी हिसाब से इसे डालिए। डार्क चॉकलेट चिप्स रेडी कर ली है। अब इसी तरीके से हम व्हाइट चोको चिप्स रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने जो मेथड इस्तेमाल किया डार्क चॉकलेट चोको चिप्स के लिए, वही हम व्हाइट चॉकलेट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर ली है, और इसे हम पाइपिंग बैग में डालकर कैंची से कट करके इसे हम ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए जिस तरीके से डार्क चॉकलेट को हमने ड्रॉप किया था, उसी तरीके से हम इसे फटाफट ड्रॉप करेंगे। ये मेथड आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि जो चॉकलेट है वो जल्दी सेट होने लगती है, तो आपको थोड़ा हाथ अपना स्पीड में चलाना होगा। इसी तरीके से हम दो कलर की चॉकलेट चिप्स रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको व्हाइट चोको व्हाइट के छोटे छोटे ड्रॉप डालना है, और उसके ऊपर आपको डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे उसी के ऊपर ही ड्रॉप करना है, ताकि देखिए ये दो कलर के हमारे चोको चिप्स रेडी हो जाएंगे। अभी हमें इसे 10-15 मिनट ऐसे ही रखकर फ्रिज में ठंडा करने रख देना है। तो यहाँ पे हमने फ्रिज से निकाल लिया है इसे, और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो चुके हैं, और ये बहुत ही आराम से इसमें से ये जो बटर पेपर है इसमें से रिमूव हो जाते हैं। देखिए हम धीरे धीरे उंगलियों को इस पर घुमा रहे हैं, तो ये बहुत आराम से निकल जा रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल मार्केट की जो महंगी हमारी चोको चिप्स मिलती है उसी तरह हमारे घर की ये चोको चिप्स लग रही है। देखिए हम आपको नजदीक से भी दिखाएंगे, आप कह सकते हैं कि ये मार्केट की चोको चिप्स है, लेकिन ये घर में बनी हुई है। बहुत ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं, बस कुछ ही मिनटों में ये रेडी हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लैक, व्हाइट और ये दो कलर के चोको चिप्स रेडी कर लिए हैं। आप इसे फ्रिज में रखकर जितने दिन चाहे उतने दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।